हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स की यूनिट फोर्थ, जिसमें हमें तीन टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हमने ये तो पढ़ लिया है कि हमारी इनकम के कितने हेड्स होते हैं, तो इनकम के हमारे पांच हेड्स होते हैं, पांच शीर्षक होते हैं, वेतन से आए, मकान संपत्ति से आए, व्यापार पेशे से आए और पूंजी लाभ से आए और अन्य साधनों से आए। तो स्टूडेंट्स, यह जरूरी नहीं है कि हमें सभी सोर्सेस से, सभी जो इनकम के हेड से उनसे इनकम ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वह लॉसेस हो जाए या हानि हो जाए। तो पहली चीज हम ये समझें कि हमें जो हानि है वह जो पांच सोर्स है हमारे, वेतन, मकान संपत्ति, तीसरा हमारा है व्यापार पेशा, चौथा है हमारा पूंजी लाभ और पांचवा है अन्य साधन, अदर सोर्सेस। ये इनकम के फाइव हेड्स जो है वह होते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब हम हानियों की पूर्ति की बात करेंगे और उन्हें आगे ले जाना, तो स्टूडेंट इसमें वेतन शीर्षक जो है वह शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वेतन शीर्षक में कभी भी हानि नहीं होती है। सैलरी हेड में कभी भी हानि नहीं हो सकती है। हम जस्ट इमेजिन करें कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहां से ज्यादा क्या होगा कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन माइनस में होगा ऐसा कभी नहीं होगा। या तो आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन लॉस कभी नहीं होता है उसमें। तो जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो वेतन शीर्षक को हम अलग कर देंगे। अब हानियों की पूर्ति करना, हानियों की पूर्ति करना इट मीन्स कि यदि हमें किसी ईयर में मकान संपत्ति से हानि हो गई है, मतलब कि हमारा जो मकान है उसको बेचने से हानि हो गई या किराए पे उठाने से हानि हो गई, कुछ भी हो सकता है। ऐसे व्यापार पेशे में हमें हानि हो गई, पूंजी लाभ में जो है हमने कोई मकान या कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची है उससे हमें हानि हो गई, तो इनकम टैक्स में यह प्रावधान रखा गया है कि यदि किसी करदाता को किसी भी हेड्स में लॉस हो गई है, अब मैं यहाँ किसी भी हेड्स बोलूंगी तो इसको छोड़कर, लॉस हो गई है, तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। पूर्ति करने का आशय है कि हम जो है, चूंकि इनकम टैक्स आपको पता है कि आय पर लगता है, ठीक है, तो पूर्ति करने का आशय यह होता है कि यदि इनकम हमारी 2 लाख रुपए हो रही है तो हम उसमें से लॉस घटा सकते हैं। मान लीजिए हमारी लॉस 50,000 की है, तो हमें इनकम टैक्स अब कितने पे देना होगा, 1.5 लाख रुपए पर। तो हानियों की पूर्ति होने से हमें फायदा है कि हमारी किसी वर्ष में, मान लीजिए व्यापार पेशे से तो हमको लाभ हुआ लेकिन पूंजी लाभ में हमारी हानि हो गई, तो जब हम टोटल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो हम उस लॉस को, जो हानि है, उसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो हानि की पूर्ति का आशय ये होता है कि यदि किसी भी करदाता को किसी भी वर्ष में, कर निर्धारण वर्ष में किसी भी आय के सोर्स से वेतन को छोड़कर हानि हो गई है, तो वह नियमानुसार उसे अपनी आय में से घटा सकता है। अब हम बात करें उन्हें आगे ले जाना। इनकम टैक्स में जिस साल में हानि हुई है उसमें तो आप घटा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उस ईयर में उस हानि को आप नहीं घटा पा रहे हैं, तो आप उसे आगे वाले वर्षों में भी ले जाकर घटा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है करदाता के लिए कि मान लीजिए उसने कोई संपत्ति बेची जो कि दीर्घकालीन थी, लॉन्ग टर्म थी। अब दीर्घकालीन थी तो दीर्घकालीन जो हानि है उसकी पूर्ति हम केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ में से कर सकते हैं। अभी हम नियम पढ़ेंगे हानियों की पूर्ति में, तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ में से ही कर सकते हैं। अब जिस ईयर में वो हानि हो रही है उस ईयर में लाभ नहीं हुआ है, तो आप जो है उसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा करदाता के लिए आयकर अधिनियम में दी गई है। तो स्टूडेंट, इसमें आपको न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी आती है, तो सिंपल सा ये चार्ट आपने यदि रेडी कर लिया तो आपका ये वाला टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शीर्षक वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मकान संपत्ति से यदि हानि हुई हो तो पहला शीर्षक हमारा
मकान संपत्ति से हानि। तो मकान संपत्ति से हानि का ये नियम है कि चालू वर्ष में, मतलब हम बात करें यदि 2021-22 की, तो चालू वर्ष का अर्थ है कि जिस ईयर में हुई है उसी ईयर में पूर्ति। तो चालू वर्ष में ये नियम है स्टूडेंट कि सबसे पहले, अब उसको उदाहरण से समझ लें कि आपके चार मकान हैं, ठीक है, चार मकान में पहले मकान से आपको 50,000 रुपए का लाभ हुआ, दूसरे मकान से 25,000 रुपए का लाभ हुआ, तीसरे मकान से भी 25,000 का लाभ हुआ, लेकिन चौथे मकान से जो है 10,000 रुपए की हानि हो गई। तो अब चालू वर्ष में पूर्ति, इसी साल का है ये, 21-22 का ही हिसाब है। तो चालू वर्ष में यह नियम है स्टूडेंट कि सबसे पहले तो आप उसी हेड की लॉस है तो उसी हेड में यदि इनकम है तो सबसे पहले उसमें से घटा लीजिए। तो यहां पे हमारे पास देखिए मकान संपत्ति से लाभ कितना है, 1,00,000 रुपए। तो सबसे पहले हम 10,000 रुपए इसी में से घटा के हमारी मकान संपत्ति से आए हम कितने लिखेंगे, 90,000। और यदि मान लीजिए हमारा एक ही मकान था और उसमें जो है हमें हानि हो गई, एक ही मकान था हमारा, 10,000 रुपए की हानि हो गई और व्यापार पेशे से हमारी इनकम थी 1,00,000 रुपए, पूंजी लाभ से हमारी इनकम थी 20,000 रुपए, अन्य साधनों से आए थी हमारी 30,000 रुपए, तो हमारी इनकम कितनी हो गई, 1,50,000 रुपए। मकान संपत्ति से हमारी हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम 10,000 रुपए फिर भी घटा सकते हैं। कौन सी, चालू वर्ष में पूर्ति। आया समझ में, मतलब चालू वर्ष में पूर्ति का क्या नियम बनेगा, चालू वर्ष में पूर्ति का सर्वप्रथम उसी शीर्षक से घटाना है, यदि उस शीर्षक में इनकम नहीं है तो हमें वेतन को छोड़कर बाकी इनकम में से घटा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मकान संपत्ति में केवल आपको राशि ध्यान रखनी है कि चालू वर्ष में पूर्ति की जो राशि रखी गई है वह है 2,00,000 रुपए। दो चीजें ध्यान रखनी है स्टूडेंट, हम उसको लिख भी लें। क्या लिख लें हम, कि सर्वप्रथम उसी शीर्षक से, चालू वर्ष में पूर्ति क्या क्या नियम है, उसी शीर्षक, शीर्षक मतलब हेड्स, मतलब मकान संपत्ति से हानि है तो पहला प्रेफरेंस हमारा रहेगा कि आप मकान संपत्ति की आय में से ही घटाइए, उसी शीर्षक में से यदि वो नहीं है तो वेतन को छोड़कर, वेतन को तो हमको लेना ही नहीं है क्योंकि इसकी लॉस होती नहीं है, वेतन को छोड़कर बाकी सभी शीर्षक की आय में से घटा सकते हैं। और हम स्टार लगा के इसको लिख लें, राशि कितनी है चालू वर्ष में, अधिकतम 2,00,000 रुपए। इसका क्या आशय हुआ, ये चीज समझ में आई आपको, कि मान लीजिए इस वर्ष में आपको हानि 3,00,000 रुपए की हो गई, किससे, मकान संपत्ति से, तो 3,00,000 में से 2,00,000 रुपए आप इस साल घटा लेंगे किसी भी इनकम में से, व्यापार पेशे की आय हो, पूंजी लाभ हो, अन्य साधनों से आए हो, इसमें से घटा लेंगे और ये 1,00,000 रुपए जो आपका बचेगा वो आप आगे ले जाएंगे। तो आगे ले जाने का क्या नियम है, अगले 8 वर्ष तक आप ले जा सकते हैं, अगले 8 वर्ष तक, लेकिन ये ध्यान रखना यदि पिछले साल की लॉस है, मतलब आप आगे ले जाकर पूर्ति करना चाह रहे हैं, तो केवल ये ध्यान रखना ओनली किसमें से हो सकती है, मकान संपत्ति की आय में से। ये नियम समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने उदाहरण भी बताया आपको कि चालू वर्ष में यदि पूर्ति करना है तो सबसे पहले मकान संपत्ति की हानि है तो मकान संपत्ति की आय देख लीजिए, उसमें से घट रही है तो उसमें से घटा दीजिए, नहीं घट पा रही है तो आप बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इसमें से घटा सकते हैं। दूसरा, राशि का ध्यान रखना है आपको कि राशि 2,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं घटानी है, मतलब ओवरऑल मिलाकर हमें यह ध्यान रखना है कि मकान संपत्ति की हानि जो है 2,00,000 रुपए से ज्यादा की नहीं घट सकती है, लेकिन जो पिछले सालों की है, पुरानी हानि है जो पहले से लाई जा रही है,
तो वह हानि में कोई अधिकतम सीमा की राशि नहीं है। लेकिन जो पुरानी हानियां हम लेकर आते हैं या फिर जो हम हमारी हानि को आगे लेकर जाएंगे, उसमें यह नियम बन जाता है कि वो केवल मकान संपत्ति की आय में से ही घटेगी। जैसे 21-22 की जो है हानि हुई हमारी, मान लो 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपने इस वर्ष में घटा दी, 1 लाख रुपए आप आगे ले गए। मान लीजिए 22-23 में भी उसे मकान संपत्ति से कोई इनकम नहीं हुई, तो आप आगे ले जाओगे। फिर 23-24 में ले जाओगे, वहां भी कोई इनकम नहीं हुई, आप 24-25 में, ऐसे 8 वर्षों तक, अगले 8 वर्ष तक आप आगे ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 19-20 की कोई मकान संपत्ति से हानि आप इस वर्ष में लेकर आ रहे हैं, तो वो आप घटा सकते हैं, किसमें से, केवल मकान संपत्ति की आय में से। ये चीज क्लियर हुई आपको। पहला शीर्षक हमने देखा मकान संपत्ति से हानि। अब हम बात करेंगे व्यापार पेशा, बिजनेस प्रोफेशन। तो व्यापार पेशे में हमें ध्यान रखना है कि इसमें दो व्यापार पेशे हो सकते हैं, एक हम लेंगे सामान्य व्यापार और दूसरा एक हो सकता है सट्टे का व्यापार, स्पेकुलेटिव बिजनेस। दोनों में नियम थोड़े से चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग, व्यापार पेशे में दो हो सकते हैं आपके। तो पहले सट्टे के व्यापार को समझ लें, स्पेकुलेटिव बिजनेस। सट्टे के व्यापार का नियम है कि इसकी पूर्ति चाहे चालू वर्ष हो, चाहे पिछले साल की हो, या आप आगे ले जा रहे हो, केवल सट्टे के व्यापार के लाभ में से, सट्टे के व्यापार के लाभ में से कर सकते हैं, ठीक है। सट्टे के व्यापार की हानि जो है हमें सट्टे के व्यापार के लाभ में से ही करनी है, और इसको जब हम आगे ले जाएंगे तो उसका नियम जो है हमारा अगले 4 वर्ष तक, अगले 4 वर्ष तक है, और केवल किसमें से करेंगे, सट्टे के व्यापार में से। मतलब इसके लिए कोई चॉइस नहीं है, ये जो है सट्टे के व्यापार का लाभ हो तो उसमें से घटाइए, नहीं तो आगे ले जाइए, और इसके लिए समय भी जो है वह 4 वर्ष दिया हुआ है। अब हम बात करें सामान्य व्यापार। सामान्य व्यापार मतलब होता है आपका कपड़े का बिजनेस है, लकड़ी का बिजनेस है, जो बाकी सभी चीजें जो हैं। सट्टे के व्यापार का आपको सट्टे के व्यापार के नाम से ही क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सामान्य व्यापार का जो नियम है वह ये जो हमारा नियम है, ये यदि 2 लाख वाला हम हटा दे तो यही नियम है कि सबसे पहले उसी शीर्षक में से, मतलब उसी शीर्षक में से, मतलब व्यापार पेशे की इनकम है, यदि 4 प्रकार के बिजनेस है तो 4 में से 3 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, 1 में हानि हो रही है, तो 3 के प्रॉफिट को जोड़कर उसमें से घटा दीजिए, और उसमें से नहीं हो रहा है तो फिर हमारा वही है, यदि वो नहीं है तो काय में से करेंगे हम, बाकी सभी, वेतन को छोड़कर बाकी सभी आय में से। ये चीज क्लियर। वेतन को हमें नहीं लेना है क्योंकि वेतन शीर्षक की हानि जो है वह नहीं होती है, तो हमें बाकी सभी में लेना है, और सेम नियम इसका है अगले 8 वर्ष तक, ठीक है, और केवल व्यापार पेशे की आय से। अब ये चीज क्लियर हुई, सेम नियम है, सिर्फ राशि वाला नियम जो है मकान संपत्ति में है, बाकी किसी में राशि वाला नियम नहीं है। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि सामान्य व्यापार की हानि है, सट्टे के व्यापार की हानि तो केवल सट्टे के व्यापार में से होगी, चाहे पुरानी हो चाहे इस साल की जो, लेकिन सामान्य व्यापार की हानि जो है इसमें से पूरी हो सकती है। मतलब सामान्य व्यापार की हानि जो है, आपको इस साल सामान्य व्यापार में हानि हुई है और सट्टे के व्यापार में लाभ हुआ है, तो आप सामान्य व्यापार की हानि को सट्टे के व्यापार के लाभ में से कर सकते हैं, लेकिन सट्टे के व्यापार की हानि को सामान्य व्यापार के लाभ में से नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें से इसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन ये जो चाहेगा कि इसमें से इसकी पूर्ति हो जाए तो नहीं हो पाएगी। क्लियर ये चीज, सामान्य व्यापार और सट्टे का व्यापार। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा, पूंजी लाभ।
कैपिटल गेन। तो पूंजी लाभ में भी हमें ध्यान रखना है, दो प्रकार के कैपिटल गेन होते हैं। पहला होता है आपका दीर्घकालीन और एक होता है आपका अल्पकालीन, ठीक है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पे कि पूंजी लाभ की पूर्ति जो है, पूंजी लाभ की बात करूं तो केवल पूंजी लाभ में से ही हो सकती है। दीर्घकालीन की पूर्ति जो है केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ में से ही हो सकती है, लाभ में से ही हो सकती है, ठीक है। दीर्घकालीन की पूंजी, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति जो है केवल पूंजी लाभ में से हो सकती है, लेकिन अल्पकालीन की यदि हम बात करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उसकी दीर्घकालीन प्लस अल्पकालीन दोनों पूंजी लाभ से हो सकती है, दोनों पूंजी लाभ से हो सकती है। मतलब कैपिटल गेन जो है अपना पूंजी लाभ, उसमें जो है यदि हानि हो रही है तो हमें पहले यह आइडेंटिफाई करना है कि वह अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है। तो दीर्घकालीन है तो पहले दीर्घकालीन में से दीर्घकालीन को घटा लीजिए और अल्पकालीन की पूर्ति जो है वह दोनों में से हो सकती है, अल्पकालीन हो और दीर्घकालीन दोनों हो, दोनों में से हो सकती है। और इन दोनों के लिए जो नियम है अगले वर्षों में, तो अगले 8 वर्ष तक, और किसमें से कर सकते हैं, केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ में से, और अल्पकालीन की पूर्ति अगले 8 वर्ष तक है और दोनों पूंजी लाभ में से, दोनों पूंजी लाभ में से। ये समझ में आया आपको, ये हो गया हमारा कैपिटल गेन। उसमें लॉस होती है तो दो प्रकार की हो सकती है, तो दीर्घकालीन हो तो केवल दीर्घकालीन में से घटाना है और अगले 8 वर्ष तक हम ले जा सकते हैं, अल्पकालीन यदि है तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों पूंजी लाभ में से हम घटा सकते हैं और आगे भी जब हम लेकर जा रहे हैं तो दोनों पूंजी लाभ में से घटा सकते हैं। ये पूंजी लाभ हो गया। अब जो है हम अन्य साधनों में देखेंगे, तो अन्य साधनों में जो है ब्याज की हानि नहीं होती है हमें, तो उसमें जो है देखेंगे हम घुड़दौड़ से, घुड़दौड़ के रखरखाव से हानि, हॉर्स मेंटेनेंस का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए है, तो वो भी स्पेसिफाई है। तो चौथे नंबर पे हम लेंगे घुड़दौड़ के रखरखाव से हानि। तो घुड़दौड़ के रखरखाव से हानि जो है हमारी क्या होगी, वो हो जाएगी कि केवल जो है इसी इनकम से होती है, केवल घुड़दौड़ के रख रखाव की आय से, केवल इसी की आय से जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगले 4 वर्ष तक, 4 इयर्स तक हम ले जा सकते हैं और केवल घुड़दौड़ की आय में से। मतलब ये भी स्पेशल हो गई, सट्टे के व्यापार की जो है हानि जो है वो स्पेशल होती है और पूंजी लाभ जो है वो स्पेशल होता है और घुड़दौड़ का रखरखाव जो है वह स्पेशल होता है। स्पेशल इसलिए बोल रही हूँ कि वो केवल पर्टिकुलर उसी में से घटते हैं, उनको और कहीं स्पेस नहीं मिलती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पांचवी जो है वो है अशोधित ह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अशोधित ह्रास। यस, अशोधित ह्रास जो है वो बिजनेस प्रोफेशन जैसा चलता है। सबसे पहले इसको हम घटाते हैं केवल व्यापार पेशे की आय में से, और वो यदि नहीं है तो इसे जो है हम किस में से घटाते हैं, वेतन को छोड़कर बाकी सभी आय में से, है ना, बाकी सभी आय में से।
किसको छोड़कर? वेतन को छोड़कर। और आगे ले जाने की जो है कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी घटा सकते हैं अशोधित ह्रास। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है? चालू वर्ष का ह्रास यदि घट नहीं पाया है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं घट पाता है, तो अगले साल में उसका नाम बदल के अशोधित ह्रास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन यदि आपको दिया है तो सबसे पहले बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में से घटाया जाता है, और यदि वह नहीं घट पा रहा है तो फिर हम जो है उसे अन्य आय में से घटाते हैं, और अन्य आय में से भी नहीं घट पा रहा है तो हम उसे आगे ले जाते हैं जहां उसका नाम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो जाता है। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वह केवल व्यापार पेशे की इनकम में से नहीं, जो है वह सभी इनकम में से, वेतन को छोड़ के बाकी सभी इनकम में से घटा दिया जाता है। और एक लास्ट जो है, लॉटरी की इनकम यदि आपको दी है, लॉटरी टिकट अन्य साधनों में आता है, लॉटरी टिकट्स वगैरह से हानि हुई है, तो स्टूडेंट इसकी कोई पूर्ति नहीं होती है, ना चालू वर्ष में ना आगे आने वाले वर्षों में। यह जो है लॉटरी से और इसके अलावा जो है बैट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, इस प्रकार की कोई हानि दी हुई है तो उस हानि को कहीं भी नहीं घटाना है। नीचे हमें नोट लिखना है कि लॉटरी की हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती है आयकर अधिनियम अनुसार। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट ये यदि हमने पूरा पढ़ लिया तो हमारा हानि की पूर्ति वाला चैप्टर थ्योरी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट फोर्थ में सेकेंड टॉपिक, जो कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आय का मिलाना व मानी गई आय। स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि इनकम टैक्स में हमें टैक्स हमने जो इनकम कमाई है उस पर देना होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसमें वह इनकम व्यक्ति के द्वारा नहीं कमाई गई है लेकिन दूसरे व्यक्ति की आय भी उसकी आय में शामिल करके उस पर टैक्स देना होता है। तो यही होता है आय का मिलाना, क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम को क्लब करना। कुछ आय ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें आय जिस व्यक्ति को मिल रही है उसको टैक्स नहीं देना होता है, बल्कि जो व्यक्ति लाभ पहुंचा रहा है, लाभ दे रहा है, उस व्यक्ति की आय में शामिल करके उस पर टैक्स दिया जाता है। तो इनकम टैक्स में धारा 60 से 69 में इस आय के मिलाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो कंसेप्ट समझ में आया आपको कि आय का मिलाना क्या होता है? जब व्यक्ति के द्वारा उपार्जित आय नहीं हो, उसके द्वारा कमाई गई आय नहीं हो, किसी अन्य व्यक्ति की आय को उसकी आय में मिला लिया जाता है तो उसे आय का मिलाना कहा जाता है, मानी गई आय कहा जाता है। पहला है आय का हस्तांतरण परंतु संपत्ति का हस्तांतरण नहीं। मतलब उदाहरण के लिए कि मिस्टर राम है, उनका एक मकान है, तो मकान की जो आय है, मतलब जो किराया आ रहा है, वो उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दिया। मकान उनके ही नाम है लेकिन उससे जो किराया आ रहा था वो उन्होंने लिख दिया कि इस जो किराया है वह बेटे को मिलेगा। तो वो कौन सी हो गई? आय का हस्तांतरण हो गया लेकिन संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में वो इनकम किसकी मानी जाएगी? राम की। तो इसे बोलेंगे मिल किसको रही है इनकम, लाभ कौन पा रहा है? उसका बेटा होना चाहिए कि जो इनकम जिसको मिलती है वो टैक्स चुकाता है, लेकिन इसे ही बोला जाता है आय का मिलाना। तो मिस्टर राम जो है उस किराए की जो राशि है उस पर टैक्स देंगे। क्लियर? संपत्तियों का हस्तांतरण, यदि कोई संपत्ति किसी को हस्तांतरित की है और खंडनीय है, मतलब रिवोकेबल है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर समयावधि के लिए हस्तांतरित की है, निश्चित समयावधि के लिए यदि हस्तांतरित की है तो उस कंडीशन में उससे होने वाली आय समयावधि के लिए, एक निश्चित समयावधि के लिए यदि की है तो उससे होने वाली आय जो है वह जिसने हस्तांतरित की है उसकी आय में ही शामिल की जाती है। ध्यान देना, संपत्तियों का हस्तांतरण जो खंडनीय हो, एक पर्टिकुलर निश्चित समयावधि के लिए हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए मिस्टर राम के पास एक मकान है और वो मकान जो है उन्होंने 6 वर्ष के लिए किसी
दूसरे को दे दिया। अब 6 वर्ष में उस व्यक्ति ने जो भी इनकम कमाएगा, मान लीजिए उसको रेंट पे उठा दिया है, तो उस रेंट पर जो है कौन टैक्स देगा? मिस्टर राम। तो ये होता है संपत्तियों का हस्तांतरण निश्चित समय अवधि के लिए। लेकिन इसमें कुछ नियम है। वो नियम क्या है कि यदि ये संपत्ति का हस्तांतरण किसी ट्रस्ट को, हम अपवाद पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या देखा कि जो संपत्ति का हस्तांतरण किया जा रहा है और उससे जो भी मकान वाला एग्जाम्पल देखा, तो जो इनकम होगी वह जिसने हस्तांतरण किया है, राम ने किया है, तो राम उस पर टैक्स चुकाएगा। सामने वाले को इनकम मिल रही है, वह टैक्स नहीं चुकाएगा। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद का अर्थ होता है कि राम टैक्स नहीं चुकाएगा, सामने जिसको इनकम मिल रही है वही चुकाएगा। तो क्या अपवाद है कि जो हमने संपत्ति का हस्तांतरण जो है वह किसी ट्रस्ट को या व्यापार संघ को किया हो और वह अखंडनीय हो। अखंडनीय का अर्थ है कि हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं, जीवन भर के लिए हमने ट्रांसफर कर दिया हो, तो उस कंडीशन में जो ट्रस्ट है, जो संघ है, वो टैक्स चुकाएगी। दूसरा, यदि जो है ट्रांसफर हमने किसी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को या किसी व्यक्ति को किया है और वह अखंडनीय है, मतलब हमेशा के लिए कर दिया है, तो डेफिनेटली संपत्ति उसके नाम से हो गई है, तो वही उस पर इनकम कमाएगा और वही टैक्स देगा। अखंडनीय का अर्थ है उसके नाम ही कर दी है, सिंपल सा जो नॉर्मली ट्रांसफर चलता है। और तीसरा जो है आपका कि ये जो संपत्ति है, यदि 1961 के बाद जो है ट्रांसफर की है और 6 वर्ष के लिए ट्रांसफर की है, तो उस कंडीशन में भी 6 वर्ष के लिए और 1961 के बाद, ठीक है, 6 वर्ष तक के लिए की हो, तो उस कंडीशन में भी लाभ पाने वाले को जो है, मतलब जिसको ट्रांसफर की जा रही है, उसको टैक्स देना होता है। ये इसके अपवाद है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवयस्क की आय, माइनॉरिटी, माइनर पर्सन। अवयस्क जो है कौन होता है हमारा, जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम हो। तो अवयस्क की आय का नियम है कि माता या पिता दोनों में से जिसकी आय कम हो उसकी आय में जोड़ी जाती है। लेकिन यदि कोई माइनर बच्चा ऐसा है जिसने खुद के परिश्रम से इनकम कमाई है, तो फिर दोनों की आय में नहीं जोड़ी जाती है। जैसे कोई चाइल्ड आर्टिस्ट है, फिल्मी कलाकार है, बाल फिल्मी कलाकार है, फिल्म से उसने खुद ने एक्ट करके कोई इनकम कमाई है, तो उसकी इनकम जो है न तो मम्मी के इसमें न पापा के इसमें शामिल होगी, उसकी अलग ही रहेगी। लेकिन यदि किसी ऐसी जगह से इनकम है जिसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, इनकम मिली है, तो अवयस्क की आय में क्या नियम है, माता या पिता की आय में जोड़ी जाती है जिसकी इनकम कम हो, जिसकी आय कम हो। और इसमें ध्यान रखना है कि 1500 रुपए तक की आय कर मुक्त है। मतलब मान लीजिए कि जो दादाजी थे उन्होंने मकान पोते के नाम कर गए हैं, तो अब पोते के नाम तो किराया आ रहा है, उससे किराया जो आ रहा है, चूंकि बच्चा अभी अवयस्क है, तो वह किराए की इनकम जो है माता या पिता दोनों में से किसी में जिसकी इनकम कम होगी उसमें की जाएगी। और जितनी भी इनकम रहेगी, मान लीजिए 10,000 रुपए उसकी इनकम है, तो 10,000 में से 1500 रुपए जो है उसके टैक्स फ्री हो जाएंगे, करमुक्त हो जाएंगे, और बाकी के जो है 8,500 रुपए वह जोड़े जाएंगे। तो यह है अवयस्क की आय। लेकिन अवयस्क में क्या ध्यान रखना है, यदि उसने खुद के कौशल से, खुद के ज्ञान से जो है इनकम कमाई है, टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है, कलाकार है, म्यूजिक करता है, तो फिर वो इनकम जो है किसी भी माता या पिता किसी की भी इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। फिर है हिंदू अविभाजित परिवार को संपत्ति का हस्तांतरण। इसमें नियम है कि 31 दिसंबर 1969 के बाद, डेट ध्यान रखना, 31 दिसंबर 1969 के बाद यदि किसी व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति परिवार को हस्तांतरित की है, तो वह संपत्ति उस व्यक्ति की ही मानी जाएगी, परिवार की नहीं मानी जाएगी। तो उसे आय का मिलाना, मतलब उसने ट्रांसफर कर दी है, परिवार उस पर गेन कर रहा है, इनकम कमा रहा है, लेकिन इस
1969 के बाद यदि किसी व्यक्ति ने HUF फैमिली, ज्वाइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार है, और किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए डॉक्टर है, और डॉक्टर ने कोई प्लॉट खरीदा था, वो प्लॉट जो है वह नाम कर देता है परिवार के, HUF हिंदू अविभाजित परिवार के, तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी जो है परिवार की नहीं कहलाएगी, HUF पे अलग से टैक्स लगता है परिवार पे, तो वह संपत्ति डॉक्टर की ही कहलाएगी, उसको ही टैक्स देना होगा। क्लियर। फिर पुत्रवधू की आय, पुत्रवधू की आय में आपको डेट ध्यान रखनी है 31 मई 1973। यदि 31 मई 1973 के बाद जो है पुत्रवधू को कोई संपत्ति ट्रांसफर की गई है, तो वह इनकम जो है, मतलब जिसने ट्रांसफर की है, ससुर ने ट्रांसफर की है, तो उसकी आय में ही जोड़ी जाएगी, पुत्रवधू की आय नहीं कहलाएगी। कब के बाद? 31 मई 1973 के बाद कोई संपत्ति जो है पुत्रवधू के नाम ट्रांसफर की है, जिसकी इनकम पुत्रवधू को मिल रही है, तो वह इनकम किसकी मानी जाएगी? ससुर की मानी जाएगी, मतलब जिस व्यक्ति ने हस्तांतरित की है उसकी ही आय में शामिल करके उसको ही टैक्स देना होगा, पुत्रवधू को टैक्स नहीं देना होगा। फिर जीवन साथी या पुत्रवधू के लाभार्थ संपत्ति का हस्तांतरण, ये जो नियम है इसमें डायरेक्ट हमने पुत्रवधू को ट्रांसफर की है, इसमें हमने कोई ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को संपत्ति हस्तांतरित कर दी, और उस ट्रस्ट से कहा कि आप लाभ जो है मेरी पुत्रवधू को या जीवन साथी कोई भी हो उसको देना, तो उस कंडीशन में भी वही नियम है कि संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया गया है, ट्रस्ट को भी करे, भले ही डायरेक्ट करे या ट्रस्ट को करे, दोनों ही कंडीशन में किसकी मानी जाएगी? जिसने ट्रांसफर की है उसको ही टैक्स देना रहेगा, इनकम भले कोई और कमा रहा है। फिर जीवन साथी की आय का संकलन, लाइफ पार्टनर की इनकम जीवन साथी की आय के संकलन का नियम है कि यदि जो है जीवन साथी को जो है, जैसे उदाहरण से समझते हैं, हम फर्म है उसमें मिस्टर एक्स जो है वह पार्टनर है, साझेदार है, और उसमें उन्होंने अपनी पत्नी को भी साझेदार बना लिया 30% के लिए, जो पत्नी को भी साझेदार बना लिया 30% के लिए, तो उस कंडीशन में जो फर्म से उसको दिया जाएगा, वेतन दिया जा रहा है मान लीजिए इसको, तो ये जो फर्म से वेतन उसको मिलेगा वह इसकी इनकम में ऐड किया जाएगा, पत्नी की आय इसी में ऐड की जाएगी, एक्स की इनकम में ऐड की जाएगी। मतलब क्या नियम हुआ कि यदि कोई कंपनी ऐसी है, कंपनी या फर्म है जिसमें सार्वान हित है, अपने जीवन साथी का सार्वान हित है, मतलब ये फर्म जो है मिस्टर एक्स की है, उसमें अपने एज ए पार्टनर दिखाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को पार्टनर बना लिया, तो ये क्या माना जाएगा कि ज्वाइंटली जुड़े हुए हैं, सार्वान हित है, तो 20% से ज्यादा की यदि पार्टनरशिप रहती है फैमिली मेंबर्स की, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की ही आय में जोड़ी जाएगी, जीवन साथी की आय में ही ऐड की जाएगी। लेकिन यदि उसकी पत्नी जो है इस कारण से सैलरी नहीं ले रही है कि वह उसकी पत्नी है, बल्कि वह कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है, वह MBA की हुई है, या उसको CA है, नॉलेज है, उस कारण से उसको फर्म में रखा गया है, तो फिर ये वाला नियम नहीं लगेगा। ठीक है। यदि जो है नाम मात्र के लिए उसका जो है नाम रखा गया है, सार्वान हित है, तो उस कंडीशन में जो है इनकम भली पत्नी को दी जा रही है, लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन की बात होगी तो हस्बैंड की इनकम में ही शामिल की जाएगी। और बेनामी व्यवहार, ये हम जानते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी नाम से, गलत नाम से, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं है, ऐसे कुछ नाम से इनकम ट्रांसफर की है जिसके बारे में वो प्रॉपर सबूत नहीं दे पाया है, तो वह सभी इनकम जो है उस व्यक्ति की आय में शामिल कर ली जाएगी जिसका वह सोर्स नहीं बता पा रहा हो। ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट उसने शो कर दिए इनकम टैक्स रिटर्न में कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ पे दान दिया, और उनको वो जो नहीं शो कर पा रहा, उसके लिए जो प्रूफ लगते हैं, सर्टिफिकेट्स लगते हैं, वो नहीं दे पा रहा है, तो इन सभी कंडीशन में ऐसी सभी जो है इनकम, इन्वेस्टमेंट, खर्चे जिनके बारे में वो प्रॉपर सबूत नहीं दे पा रहा है और अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो वह उस व्यक्ति की आय ही मान ली जाती है जिस व्यक्ति ने उसको इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया है। तो ये होता है स्टूडेंट आय का मिलाना और मानी गई आय। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियां।
तो सकल कुल आय हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होती है। इनकम के पांचों हेड्स की इनकम को यदि हम टोटल कर लें, जैसे वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पेशा, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय की जो इनकम है उसे यदि हम टोटल कर लें तो उसे सकल कुल आय कहते हैं। इनकम टैक्स अधिनियम में करदाता को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अपने भविष्य को सेव करने के लिए अलग अलग प्रकार की जो है अपने पैसे को बचाने के लिए अलग अलग योजना में इन्वेस्ट करें, तो उसके बदले में जो करदाता व्यय करता है या कहीं पैसा चुकाता है उसके बदले में उसे कुछ कटौतियां दी जाती हैं, तो वो होती हैं सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियां, जो कि 80C से 80U तक हैं। 80C से 80U तक की कटौतियां हैं जो कि सकल कुल आय में से दी जाती हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सकल कुल आय में से दी जाने वाली कुछ कटौतियों को समझाइए, या फिर आपको आ सकता है कुछ स्पेसिफाई नाम से। तो हम सिंपल उसमें और शॉर्ट उसमें जो है हम इन कटौतियों को ओवरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहली कटौती और इम्पोर्टेंट है 80C की कटौती। 80C की कटौती होती है भविष्य करदाता अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यदि किसी जीवन बीमा प्रीमियम में, वैधानिक प्रोविडेंट फंड में, सुपर एन्यूशन फंड में पैसा लगाता है या इन्वेस्ट करता है, या फिर वह राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदता है, या फिर वो जो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करता है, या फिर वो अपना घर बनाता है, उस पर ऋण लेता है और उसका ब्याज चुकाता है। तो इस प्रकार से इन सब खर्चों के लिए करता है यदि कोई करदाता, तो उसे 80C जो है वह अप्लाई होगी। यह व्यक्ति और HUF को मिलती है, मतलब कंपनी और सहकारी समिति को यह छूट नहीं मिलती है, केवल व्यक्ति और जो HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं, उनको मिलती है। किस किस पे मिलेगी? तो इसके डिटेलिंग पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट है, जीवन बीमा प्रीमियम, वैधानिक प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूशन फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत NSC जिसको बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे हो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट किया हो, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए उन्होंने जीवन बीमा प्रीमियम करवा देते हो, चुकाते हो, घर खरीदा हो, घर के लिए लोन लिया हो, उस पर ब्याज चुकाते हो। इस प्रकार से इन सब चीजों पे जो है 80C मिलेगी, और उसकी अधिकतम सीमा ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट है। तो यदि किसी व्यक्ति का, इसके साथ ही यदि बच्चों की ट्यूशन फीस चुकाई जाती है, जो फीस हम पे करते हैं उसमें यदि ट्यूशन फीस है तो उसकी भी छूट 80C में, तो यह अधिकतम है। इसका अर्थ है कि यदि आप इन सब का टोटल आपका 70,000 आ रहा है तो आपको 70,000 की छूट मिलेगी, लेकिन यदि इन सब का टोटल आपका 2,00,000 रुपए आ रहा है तो आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी, 1,50,000 रुपए की। इससे ज्यादा की छूट 80C में नहीं मिलती है। क्लियर? तो आपको लिखने को आ सकती है, तो आप बकायदा इसको जो है कटौती का नाम क्या है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप एक एक पॉइंट सिंगल लिखिए। पात्रता किसको रहेगी, राशि क्या रहेगी, और उदाहरण के द्वारा जो है आप इस तरीके से समझा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 80CCC की। तो 80CCC होती है जीवन बीमा निगम का पेंशन फंड। ये जो है पेंशन स्कीम है, किसकी, LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की पेंशन फंड स्कीम है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, प्रीमियम भरता है, तो उसे 1,50,000 रुपए की छूट। यहां भी वही सेम कंडीशन है, ये अधिकतम राशि है। यदि व्यक्ति 50,000 रुपए लगा रहा है तो उसे 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है? और ये जो है योजना 80CCD, जो कि 1 जनवरी 2004 में लॉन्च की गई है, वो क्या है, केंद्र सरकार की नेशनल पेंशन योजना, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसे कहा जाता है। इसमें यदि जो है किसी व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है, करदाता ने और नियोक्ता ने यदि इसमें इन्वेस्ट किया है वेतन के 10% तक का, तो वह जो है 80C में जाता है। ठीक है? सैलरी का 10%, अधिकतम 14% तक जो है वह कर सकते हैं। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो राशि है
इन दोनों की राशि मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। मतलब यदि किसी व्यक्ति करदाता की ये वाली छूट भी है और ये वाली छूट भी है, तो दोनों की राशि जो एक्चुअल राशि उन्होंने इन्वेस्ट की है उसका टोटल हम कर लेंगे और इसकी तुलना किससे करेंगे हम 1.5 लाख रुपए से। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की छूट नहीं मिल सकती है। और ये एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जो है 80 CCD की छूट जो है 80C और 80CCC के अलावा मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 80D की छूट जो कि है चिकित्सा बीमा प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D। ठीक है, ये किसको मिलती है? व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार को। और इसमें जो है ध्यान रखना है कि यह छूट तभी मिलेगी जब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान हमने चेक से किया हो। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमने पेमेंट किससे किया हो, चेक से किया हो। अब यदि हम राशि की बात करें तो राशि में यदि करदाता और उसका परिवार, उसके परिवार का यहाँ आशय क्या है, उसके बच्चे और पत्नी, यदि उनके लिए किया है तो अधिकतम राशि कितनी है? 25,000 रुपए। ठीक है, और यदि परिवार में माता पिता भी शामिल हैं तो 50,000 हो जाएगी। ठीक है, और यदि माता पिता जो है वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उस कंडीशन में जो है 25,000 रुपए और। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। चिकित्सा बीमा प्रीमियम की छूट जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D के अंतर्गत आती है। यह छूट गत वर्ष में करदाता के द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया गया हो किसी अनुमोदित संस्था को, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमोदित संस्था को जो है पेमेंट किया गया हो, दूसरा भुगतान जो है वह चेक के द्वारा हुआ हो, और राशि जो है इसमें यदि स्वयं और उसका परिवार है केवल तो 25,000 रुपए, माता पिता भी शामिल है तो 50,000 रुपए, और माता पिता यदि वरिष्ठ हैं तो 25,000 रुपए अतिरिक्त छूट जो है वह मिलती है। फिर हम बात करें 80DD। देखिए इसको याद रखने का, 80D जो है वह मेडिकल से रिलेटेड है। 80D है डिपेंडेंट डिसेबल, DD, डिपेंडेंट डिसेबल मतलब विकलांग हो और आश्रित हो। इट मीन्स यदि कोई करदाता है उसके वो किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहा है जो विकलांग है। अब विकलांग की डेफिनेशन क्या होती है? तो 40% से अधिक जो व्यक्ति विकलांग हो, ऐसे कोई व्यक्ति की देखभाल कर रहा है, उसके मेडिकल पे कोई खर्च कर रहा है या उसकी देखरेख के लिए उसने कहीं पैसा जमा किया है, इन सभी कंडीशन में 80DD की छूट मिलेगी। कैसे याद रखेंगे हम? डिपेंडेंट हो और डिसेबल्ड हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए DD है, व्यक्ति या HUF को ही मिलती है, और इसकी राशि क्या है? 75,000 रुपए सामान्य स्थिति में, और यदि गंभीर बीमारी है मतलब जो विकलांगता का प्रतिशत है वह 80% या उससे अधिक है। यह प्रतिशत मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिया जाता है उसकी पूरी मेडिकल एग्जामिन करने के बाद। तो यदि जो है बीमारी गंभीर है, विकलांगता गंभीर है, तो वह राशि 1,25,000 रुपए हो जाती है, और यह जो है वो मानक कटौती है। मानक कटौती का अर्थ होता है कि यहाँ जो है सिर्फ व्यक्ति विकलांग और आश्रित होना चाहिए, सीधे सीधे हम 75,000 रुपए या 1,25,000 रुपए घटा देंगे, हम तुलना नहीं करते। इन सब में हमको तुलना करनी है कि हमने प्रीमियम कितनी चुकाई है, उसकी तुलना करनी है हमको अधिकतम राशि से, जो कम है उसकी छूट देनी है। लेकिन ये जो 80DD है और 80U जो है इसमें हम मानक कटौती बोलते हैं। मानक कटौती का अर्थ होता है कि यह डायरेक्ट उतनी राशि घटाई जाती है, मतलब 75,000 घटाए जाएंगे या 1,25,000 रुपए। ठीक है, ये कब मिलेगी? गंभीर बीमारी, 80% से अधिक विकलांगता हो, इसी के जैसी है 80U। 80DD जो होती है वो किसके लिए है? कोई डिपेंडेंट हो, कोई आश्रित हो। और 80U होती है स्वयं, यदि कोई करदाता स्वयं विकलांग हो, गंभीर स्थिति में हो, वो विकलांग हो, तो स्वयं को मिलती है, व्यक्ति या HUF हो, और उसकी राशि जो है वह कितनी है? सेम 75,000 रुपए और 1,25,000 रुपए, सेम वही रूल है। इसीलिए साथ में हमको याद रहेगी 80U मतलब yourself, खुद के लिए होती है और राशि भी सेम है। फिर 80DDB गंभीर, बहुत गंभीर बीमारी हो, यह भी व्यक्ति HUF को मिलती है,
इसकी राशि जो है वह 40,000 रुपए है। और यदि नागरिक वरिष्ठ है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, जैसे कैंसर हुआ या कुछ और इस टाइप की बीमारी हुई, थैलेसीमिया हुआ जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, लॉन्ग लाइफ तक चलती है, तो उन सब कंडीशंस में जो है 40,000 रुपए की सामान्य स्थिति में, और यदि नागरिक वरिष्ठ है, सीनियर सिटीजन है, तो उस कंडीशन में राशि 40 ना होकर 1,00,000 रुपए रहेगी। तो ये हमारी है कुछ कटौतियां। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 80E की डिडक्शन। 80E होती है उच्च शिक्षा हेतु, परिवार का कोई सदस्य, पत्नी, बच्चे, उच्च शिक्षा मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स करने, डॉक्टर, इंजीनियर, CA बनने, यदि इस टाइप से कोई कोर्स करने जा रहे हैं, और उनकी एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है, उस पर ब्याज यदि आप चुका रहे हैं, तो वह जो है छूट 80E के अंतर्गत मिलती है, जो कि व्यक्ति करदाता को मिलती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप जितनी ब्याज की राशि चुका रहे हैं, उतनी पूरी ब्याज की राशि की छूट आप ले सकते हैं 80E किसके लिए, उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए। फिर हम बात करें 80G दान के संबंध में। तो दान, ऐसा नहीं कि कॉलोनी के मंदिर को, अनुमोदित संस्था को यदि दान दिया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष, राष्ट्रीय फंड, राष्ट्रीय बाल कोष, इस टाइप के बहुत सारे फंड जो है सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, तो इन संस्था में यदि किसी करदाता ने दान दिया है और उसकी रिसीप्ट है, तो जो है वह 80G के अंतर्गत मिलेगी। जी फॉर आप याद रख सकते हैं गणेश मंदिर में दान, जी फॉर गणेश, तो गणेश मंदिर में दान, तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो अनुमोदित संस्था को दान, तो स्टूडेंट यह जो 80G की छूट है, थोड़ा सा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा है, ये दो प्रकार की है, 100% और 50%। 100% में भी जो नियम है कि वास्तविक राशि का 100% एक नियम है, और एक है आपका कटौती योग्य राशि का 50%। तो यदि किसी राष्ट्रीय स्तर के प्रधानमंत्री का, अकाल, राष्ट्रीय सहायता कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, सुरक्षा सहायता कोष, इस तरीके के फंड में यदि दान दिया है, तो जो डोनेशन दिया गया है, दान दिया गया है, उस राशि का 100%। लेकिन सिर्फ आपको दिया है कि 80G के अंतर्गत दान दिया, या लिखा है कि अनुमोदित संस्था को दान दिया, तो ये जो है आपका कटौती योग्य राशि का 50% लेंगे। तो ये वाली डिडक्शंस थोड़ी डिटेल में समझने की है, ठीक है। तो यह मिलती है दान के संबंध में। फिर हम बात करें 80GG, ये जो है हमारा, यदि रिहायशी मकान है और हम किराए, रिहायशी मकान नहीं है और किराए के मकान में रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि हम किराया भुगतान कर रहे हैं, तो यह व्यक्ति करदाता को मिलती है। और इसमें जो है, इन तीनों में जो कम हो, उस राशि की जो है छूट यहां पर मिलती है, ठीक है। तीन राशि कौन कौन सी होती है, इन तीनों राशि को हम निकालेंगे, कुल आय का 10%, कुल आय का 25% और 5,000 रुपए प्रतिमाह। कुल आय के 10% में से भुगतान किया गया किराया घटाकर, इन तीनों राशि में जो कम होगा, उस राशि की छूट 80GG में मिलती है। तो हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपको सिंपली जो है 80GG की छूट, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास रहने का मकान नहीं है और वह किराए का भुगतान कर रहा है, उस व्यक्ति करदाता को मिलती है। और यह जो है राशि कितनी मिलती है, तो यह तीन नियमों को आप लिखेंगे कि निम्नलिखित में जो राशि कम होती है, उसकी छूट 80GG के अंतर्गत दी जाती है, कौन कौन सी, कुल आय का 10% माइनस किराया भुगतान, सेकेंड पॉइंट है कुल आय का 25%, और तीसरा पॉइंट है 5,000 रुपए प्रतिमाह। इन तीनों राशि में जो राशि कम आएगी, उसकी छूट 80GG के अंतर्गत दी जाती है। फिर 80GGA वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु दान। यदि किसी व्यक्ति ने, सभी प्रकार के करदाताओं को मिलती है, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे सहकारी समिति हो, चाहे HUF हो, चाहे व्यक्ति हो, यदि किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान दिया है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि उसकी व्यापार से आय नहीं होना चाहिए, मतलब या तो वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या उसकी अन्य साधनों से आय, व्यापार नहीं करता हो वह,
तो उसने यदि वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु दान दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो 100% जितना भी उसने दान दिया है उसकी पूरी छूट मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 80GGB और 80GGC। 80GGB और GGC दोनों ही जो है राजनीतिक पार्टी को दान दिया हो, जो हमारे देश में राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, आप है, इसके अलावा भी जो है बहुत सारी पार्टीज चलती हैं, इसमें यदि किसी करदाता ने दान दिया है, तो यदि कंपनी ने दान दिया है, कोई कंपनी डोनेशन कर रही है, तो GGB के अंतर्गत मिलेगी। और यदि जो है कोई कंपनी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दान कर रहा है, जैसे व्यक्ति इसमें आ जाएंगे और फर्म इसमें आ जाएगी, HUF इसमें आ जाएंगे, तो छूट तो वही मिलेगी पूरी राशि की 100%, लेकिन नाम क्या हो जाएगा, 80GGC। मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी को यदि कोई कंपनी दान कर रही है तो GGB के अंतर्गत एलिजिबल होगी वो, और यदि कोई व्यक्ति जो है, हम जैसे लोग यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में दान कर रहे हैं, तो हमें कौन सी छूट मिलेगी, 80GGC। कितनी राशि की मिलेगी, 100%। आपने जितना भी डोनेशन किया है उतनी पूरी राशि की छूट जो है आपको मिल जाएगी। एंड फिर है 80TTA और TTB। ये जो है यदि किसी व्यक्ति करदाता को, सभी प्रकार के करदाता, कंपनी हो, फर्म हो, सभी को, बैंक ब्याज, सहकारी समिति से ब्याज, पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज, जो ब्याज मिलता है वह यदि किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो उस पर यह मिलती है। तो यदि व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वरिष्ठ नहीं है, तो 10,000 रुपए अधिकतम, और यदि वरिष्ठ नागरिक है तो 50,000 रुपए अधिकतम। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक के लिए TTB है और अन्य व्यक्तियों के लिए TTA है। नाम अलग कर दिया है, बाकी रूल वही है कि यह जो है बैंक, सहकारी समिति, पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज जो मिलता है उस पर मिलती है, सभी प्रकार के करदाताओं को मिलती है। यदि सामान्य व्यक्ति है तो 10,000 रुपए अधिकतम है। अधिकतम शब्द जहां बोला जा रहा है वहां पे आपको वास्तविक राशि से तुलना करनी है, और वास्तविक राशि से तुलना करके जो कम है उसको लेना है। और यदि जो है वरिष्ठ नागरिक की बात की जा रही है, तो वरिष्ठ नागरिक के संबंध में 50,000 रुपए जो है उससे तुलना करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है कुछ अमाउंट्स, कुछ परसेंटेज आपको ध्यान रखने हैं, इसके अलावा भी बहुत सी होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो है वो देखी हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये बहुत हेल्प कर सकती हैं।